हेलो एवरीवन, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आज स्वयंभूनाथ टेम्पल आई हूँ। मंदिर का एंट्रेंस गेट है, फिर मैंने टिकट लिया। टिकट का चार्जेस 50 रुपीज़ है, सभी जगह के लिए अलग अलग। फिर जैसे ही अंदर गई, वहाँ स्टैचू बनी हुई थी बुद्धा की, फिर वहाँ पे विश मांग सकते हैं। सभी कॉइन्स देकर वहाँ से विश मांग रहे थे। एक पॉट था, यदि उसके अंदर कॉइन चली जाती है तो कहते हैं लोग विशेष पूरी होती हैं, इस तरह की मान्यता है। मैंने भी बहुत सारे कॉइन्स डाले बट मेरा एक भी उसके अंदर कॉइन्स नहीं गया, सभी टच होके नीचे गिर जा रहे थे। 365 स्टेयर्स चढ़कर हम स्वयंभूनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। यहाँ चारों तरफ फॉरेस्ट ही है, इसको मंकी टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ बहुत सारे मंकी आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप भी देख सकते हो। स्टेयर्स पर चढ़कर हम टेम्पल के पास पहुँच गए। वहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत था। हमें पहुँचते इवनिंग हो चुकी थी और आप लोग भी देख सकते हो इवनिंग का व्यू। यहाँ से पूरा काठमांडू शहर नज़र आ रहा था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि वो नाइट हो चुका था। आप भी देखो और इन्जॉय करो। दर्शन किया और फिर दिए जलाए। इस टेम्पल के टॉप पे चार आंखें लगी हुई हैं, जिसे कहते हैं कि बुद्धा चारों तरफ से काठमांडू शहर पे नज़र रखे हुए हैं। आप भी देखें और इन्जॉय करें। फिर हम स्टेयर्स के थ्रू नीचे की ओर उतर गए। कार लेकर हम अपने होटल की तरफ पहुंच गए। यदि यह वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल। जय हिंद।